हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पिक न्यूज़पेपर से उठाई गई है, 29 दिसंबर 2021 की है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पति को नॉमिनी बनाने के संबंध में ये मैटर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रॉपर्टी में पति को नॉमिनी बनाना ज़रूरी नहीं है, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा। नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि पत्नी को प्रॉपर्टी में अपने अधिकार अनिवार्य रूप से अपने पति को ही देने चाहिए या उसे ही अपना नॉमिनी बनाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कोई अथॉरिटी किसी व्यक्ति के उस प्रॉपर्टी से डील करने, उसमें रहने या किसी को देने के अधिकार का तय या शामिल नहीं कर सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस नजमी वजीरा की बेंच ने ये व्यवस्था एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी, जिसने डीडीए पर आरोप लगाया कि वे कन्वेंस डीड की रजिस्ट्रेशन में पति को नॉमिनी के तौर पर शामिल करने पर जोर दे रहा है। याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सारा पैसा उन्होंने दिया, उनके पति ने इस प्रॉपर्टी में अपने सारे अधिकार छोड़ दिए थे। सुझाव दिया कि उनके पति डीडीए को अंडरटेकिंग के साथ एक हलफनामा दे सकते हैं ताकि डीडीए खुद को इस पहलू से संतुष्ट कर सके कि इनके पति ने प्रॉपर्टी में आने अपने सारे अधिकार त्याग रखे हैं और वे खुद चाहते हैं कि कन्वेंस डीड उनकी पत्नी के नाम पर ही तैयार की जाए। डीडीए का कहना था कि टेंडर शर्तों के मुताबिक कन्वेंस डीड पति और पत्नी दोनों के नाम पर बनती है। इस पर जस्टिस वजीरा ने उक्त स्पष्टीकरण दिया। कोर्ट ने कहा कि डीडीए इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि नॉमिनी अनिवार्य रूप से पति ही हो। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में घंटी का बटन भी दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।